पूरे प्रदेश में आयोजित किए, जन जागृति की दृष्टि से पोल रेटिंग करना और प्रशासन के साथ मिलकर के बहुत बेहतरी से आप लोगों ने काम किया है, इसके लिए आप सब लोग बहुत बधाई के पात्र। मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात कहूंगा, 5-7 मिनट एक प्रोग्राम में और जाना है। आज आपकी सरकार चाहे अपने युवा हों, किसान हों, महिलाएं हों, विज्ञान हों, या एक वर्ग और होता है जब जिधर किसी का ध्यान नहीं गया, ऐसे लोग जिनका कोई जाति नहीं है, जिनका कोई धर्म नहीं है, जिनके बारे में पता ही नहीं उनके माता पिता कौन है, जिनको हम अनाथ कहते हैं, बड़े बच्चे सरकारी अनाथालयों में रहते हैं और जब इंटरमीडिएट या 18 साल के हो जाते हैं तो इनको भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता है। पूरे देश में जाति आधार पर आरक्षण, अनुसूचित के लिए भी आरक्षण है, जनजातियों के लिए भी आरक्षण है, पिछड़ों के लिए भी आरक्षण है, दलितों के लिए, अति दलितों के लिए भी आरक्षण है, लेकिन आपकी संवेदनशील सरकार ने महसूस किया इनका कुछ पता ही नहीं है, उनके माता पिता का पता नहीं है, उनके जाति वर्ण धर्म का कुछ पता नहीं है, तो उत्तराखंड की पहली सरकार है जिन्होंने इन लोगों के लिए 5% आरक्षण किया है, 5%। अब इस राज्य में जो भी अनाथ कहलाते थे सरकार उनकी नाथ बनकर सामने आई, तो हमारे युवाओं को बात को घर घर तक पहुंचाना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं इन बच्चों का, जो ये बच्चे अनाथालय से जब 18 साल के होते थे इनको बाहर छोड़ दिया जाता था, फिर ये किस तरह से गंदे गंदे हाथों में बच्चों को कई बार पहुंच जाते थे, उनका तमाम तरह से दुरुपयोग होता था। उस दुरुपयोग को रोकने का काम और देश को रास्ता दिखाने का काम कि इनके बारे में भी सोचने की जरूरत है, ये आपकी सरकार ने किया है। हमने युवा आयोग का गठन हम करने जा रहे हैं, हमने कैसन की जो विधानसभा थी, जो वित्त सत्र था, उसमें हमने निर्णय लिया कि हम युवाओं के लिए एक युवा आयोग हम राज्य में बनाएंगे, बहुत जल्दी उसका गठन कर लिया जाएगा। अपने अपने युवाओं के लिए इस वर्ष को रोजगार वर्ष के रूप में हम लोग मना रहे हैं, इसके तहत जहां सरकारी कार्यालयों में भर्तियां हो रही हैं वही तमाम स्वरोजगार की योजनाएं हमारे द्वारा संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एक ऐसी योजना है जिसमें 150 कंपोनेंट्स हैं, हम किसी में भी अपनी रुचि के हिसाब से काम कर सकते हैं। आज कोई भी काम ऐसा नहीं है, अगर हम कोई अपना रोजगार जनरेट करना चाहते हैं तो कोई भी युवा चयन करके अपनी रुचि के हिसाब से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऋण लेकर के इस योजना का लाभ उठा सकता है। हमने अपने युवाओं के लिए पिरूल नीति लाई, पिरूल यानी पीड़ की पत्तियां, पाइन नीडल्स, उन पाइन नीडल्स से बिजली बनाने का काम, उनसे पैलेट्स बनाने का काम, और उससे जो बिजली बनती है उसकी कीमत हमने 7.25 रुपया रखा है। 7.25 रुपये इसलिए रखा है कि हम रोजगार करें, हम 4 लोगों को और अपने साथ रोजगार दे सकते हैं और बड़ी आसानी से बिजली बनाकर अपने राज्य की बिजली की भी खपत का एक हिस्सा उसमें हम अपना योगदान कर सकते हैं। जो पैलेट्स बन रहे हैं उसके पत्तियों से वो अति ज्वलनशील है और बॉयलर में उनका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है, गैस से 1/3 खर्चा उस पर आता है और 3-4 मिनट में आग प्रज्वलित हो जाती है, 2000 रुपए इसका चूल्हे की कीमत। जो बड़े उपयोग हैं, बराते हैं, होटल्स हैं, व्यावसायिक उपयोग के लिए वो बहुत ही सस्ती ऊर्जा, अल्मोड़ा जिले में उसकी शुरुआत हुई है,
उसका एक प्रोजेक्ट वहां पर लग चुका है और उसका उत्पादन प्रारंभ हुआ है। हमने युवाओं के लिए में रोजगार की 100% गारंटी है ऐसा सीपेट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें 300% का आरक्षण है, 3 महीने से लेकर के और 3 साल तक के कोर्स इसमें होते हैं और 20,000 रुपए से लेकर और 25-30 लाख रुपए तक के पैकेज में मिल जाते हैं। वो संस्थान जो हमारे राज्य में नहीं था हम अपने राज्य में लाए। इस युवाओं के बीच में बात इसलिए कह रहा हूं, हमको कई बार इस चीज की जानकारी नहीं होती और ये युवा मोर्चे का दायित्व तो है, ये युवा मोर्चे की जिम्मेदारी है, एक एक नौजवान तक ये बात पहुंचनी चाहिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ये हमारे राज्य में नहीं था, हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अब किसी को भोपाल जाने की जरूरत नहीं है, किसी को महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं है, अगर वो योग्य है तो अपने राज्य में भी वो विधि की पढ़ाई कर सकता है। बहुत अच्छी लॉ की जो पढ़ाई है जिसके लोग बाहर जाते हैं अपने राज्य में उसको पढ़ सकता है, ये व्यवस्था हमने अपने राज्य में हमने की। हमने युवाओं के लिए देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है जहां पर हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया, यानी उद्योग में जो जो फैसिलिटीज हैं वो सारी सुविधाएं आज आप पर्यटन के माध्यम से या पर्यटन के कार्यों के लिए आप संचालित करना चाहते हैं उन सारी योजनाओं का लाभ आप आज ले सकते हैं, उसकी कार्यवाही प्रारंभ हो गई। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन, हम सब जानते हैं कि नैनीताल सेचुरेशन पर आ गया है, वहां पर विस्तार की गुंजाइश नहीं है, कौसानी सेचुरेशन की स्थिति में आ गया, वहां पर विकास और फैलाव की गुंजाइश नहीं है, मसूरी सेचुरेशन हो गया है, धनौल्टी सेचुरेशन हो गया है, तमाम जितने भी हमारे हिल स्टेशन है वो सेचुरेशन पर आ गए हैं। और फिर हमने नए डेस्टिनेशन की खोज, हमको फ्यूचर के लिए नैनीताल लगभग पौने 180 साल से ऊपर का शहर हो गया है, पूरी 200 साल से बड़ी उम्र का हो गया है, अब हमको ऐसे कुछ नए शहर बसाने होंगे जो आने वाले समय में दुनिया से आने वाले जो टूरिस्ट हैं जो पर्यटक हैं वो उनको आकर्षित कर सके। और हमने आधुनिक तरीके पर उनको किया है, किसी को वेलनेस पर निर्धारित किया है, किसी को योगा पर किया है, किसी को वाटर स्पोर्ट्स पर किया है और कहीं पर स्पिरिचुअल किया है, ऐसे अलग अलग तरह से 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन पर हमारा काम चल रहा है और उन पर पैसे भी दिए गए हैं। पिथौरागढ़ में तो ट्यूलिप गार्डन का काम चल रहा है, थोड़ा इस बीच कोविड की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई है लेकिन वो काम चल रहा है। उड़ान योजना के अंतर्गत देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड जहां पर हेली सर्विस ये शुरू करने वाला राज्य, पहला राज्य ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर भारत का पहला ये उत्तराखंड में हम ला पाने में सफल हुए हैं। इस तरह से हमारे जो बच्चे हैं जो आधुनिक और भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल होने वाला है और जो ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर है इसका अनुमान ये है कि 1,00,000 करोड़ का ये व्यवसाय बनने वाला है और इसलिए इसमें युवाओं के लिए अवसर हैं, युवा उसका उसमें प्रशिक्षित होकर के उसका लाभ ले सकते हैं। हमने रोपवे का निर्माण मसूरी के लिए रोपवे बन रहा है, नैनीताल के लिए सर्वेक्षण का काम चल रहा है, केदारनाथ के लिए काम चल रहा है और 3-4 जगह पर इस समय बनने प्रारंभ हो गए हैं। 1-2 महीने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है कोविड की वजह से, हो सकता है कि बनकर तैयार हो गए होंगे। तो इस तरह से पर्यटन को और सबसे अधिक गुंजाइश अगर किसी क्षेत्र में रोजगार की होती है तो पर्यटन, उद्योग से भी अधिक अगर पर्यटन की पर्यटन रोजगार मिलता है तो पर्यटन से मिलता है। इसलिए मैं अपने युवा कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा हम पर्यटन के क्षेत्र में भाग्य आजमा सकते हैं। होम स्टे योजना हमने राज्य में लागू की है और होम स्टे हमारी बहुत लोकप्रिय हो, इस होम स्टे योजना में भी हम अपने गाँव में जो हमारे घर हैं पुराने घर हैं कोई घर खाली पड़े हैं गाँव में उनसे लेकर के और हम इसका शुभारम्भ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा आकर्षण है आज जो विशेषकर जो लोग शहरी लोग हैं वो गाँव में रहना चाहते हैं, गाँव में किस ढंग से लोग रहते हैं, वहाँ का खान पान क्या है, वहाँ पर कैसे लोग सब्जी उगाते हैं, कैसे भेड़ बकरी पालते हैं, कैसे अपनी खेती करते हैं, वो वहां पर 5-5, 7-7 दिन रह करके ऐसी नहीं, मैंने देखा कि विदेशी लोग भी आ रहे हैं इस चीज को वहां पर जाके बड़ा उनको आकर्षित कर रहा है। ये जो होम स्टे योजना है इसको भी हम लोग इसका हम लाभ ले सकते हैं।
फिल्म शूटिंग। और आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री से बातचीत करके हमने उत्तराखंड के बारे में उनको जब बताया, तो लोग विदेशों में जाते हैं शूटिंग करने के लिए। हमने कहा भाई अपने देश में भी बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत स्थान है, आप वहां पर आइए। और उत्तराखंड को आज बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड अगर किसी को मिला है तो आपकी स्टेट। और स्टेट में अवार्ड फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड इसलिए मिला है कि जिस तरह से हमारे लोगों का स्वभाव है, उत्तराखंड का स्वभाव, कभी किसी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को यहाँ पर दिक्कत नहीं, किसी ने बाधा पहुंचाने के काम नहीं किया, बल्कि उनको सहयोग किया। हमारे नौजवानों, हमारे भाइयों बहनों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको सहयोग किया और उसके कारण आज उत्तराखंड को बेस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड हमारी स्टेट को मिला है। और उसमें भी हमारे नौजवानों के लिए बड़ा भविष्य है, बड़ा भविष्य उसमें है, हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। कोई फिल्म शूट होती है तो 200-250 लोगों का क्रू उनका आता है, मुंबई से, दिल्ली से जो उनके कैमरे आते हैं वो बाहर से आते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है और हमारे नौजवान उस दिशा में भी सोच सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। आज जो स्वास्थ्य सेवा है, और जब कोविड की महामारी चल रही है, पर जरूर हमारे युवाओं को जरूर इसमें रुचि होगी, मैं मानता हूं। और इस बीच में हमारे प्रदेश में आप कह सकते हैं, कहीं पर भी बिल्कुल पाती ठोक कर कह सकते हैं नौजवान हमारे, जब हमारी सरकार बनी उससे पहले इस राज्य के किसी भी जिला अस्पताल में आईसीयू नहीं थे, कहीं पर भी आईसीयू नहीं थे, बाईपैप नहीं थे, कहीं पर भी ऑक्सीजन पाइप के माध्यम से नहीं जाती थी। आज हमारे हर जिले में हमने आईसीयू बनाए, हर जिले में हमारे पास आज बाईपैप है, आज हर जिले में हमारे पास वेंटिलेटर की सुविधा है। ये काम हमने किया है, और यही नहीं, 3 मेडिकल कॉलेज एक साथ हम लाए हैं, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पिथौरागढ़, 3 मेडिकल कॉलेज, और तीनों के लिए 1,000 करोड़ के करीब पैसा भी हमने आवंटित कर दिया है इन कॉलेजों के लिए। इस तरह से मेडिकल के क्षेत्र में आपकी सरकार ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, ये हम कह सकते हैं। कोविड केयर की दृष्टि से आज हम लोग इसमें बहुत सफल हुए। आप सब जानते हैं कि जब हमारे प्रवासी भाई, जब तक उनका आना शुरू नहीं हुआ था, तो हमारे पेशेंट लगभग राज्य मुक्त होने वाला था, इस बीमारी से मुक्त होने वाला था, लेकिन जो हमारे प्रवासी भाई बहन हैं, नौजवान युवक युवतियां हैं, जो वहां पर छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे, परेशानी में आए, दुकानें बंद हो गई, होटल बंद हो गए, इंडस्ट्री बंद हो गई, तमाम रोजगार के साधन समाप्त हो गए, तो स्वाभाविक रूप से जब संकट होता है तो अपने घर की ओर देखता है, उन्होंने भी उत्तराखंड की ओर देखा। और हमने रेलवे को 1 करोड़ रुपया एडवांस में दिया कि आप हमारे लोगों को लाने का काम करें। भारत सरकार ने 15% पर रेल हमको उपलब्ध कराई। धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय पीयूष गोयल जी का, कि 15% दर पर उन्होंने ट्रेनें हमको उपलब्ध कराई, और हम अपने लोगों को चाहे त्रिवेंद्रम हो, चाहे सूरत हो, गुवाहाटी हो, कश्मीर हो, और मध्य भारत तो बीच में मध्य भारत है, हम पूना से, गोवा से, सब जगह से अपने लोगों को लाने का काम किया। लोग नहीं थे, ट्रेन थी, ऐसा भी मौका आया जब हमको एक ट्रेन रद्द करनी पड़ी, ऐसा भी मौका आया जब 1500 लोगों की बजाय 400 लोग आए, लेकिन हमको, हमने उनको एक एक को पहुंचाने का काम, उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। और यही नहीं, उनको 5-5 किलो राशन, 1 किलो दाल पर यूनिट, 1-5 किलो राशन और 1 किलो दाल, ये 3 महीने तक देने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, और उनके पास कोई कमी ना हो, अपने घर में कोई पहुंच रहा है, उनके लिए खाने पीने की कोई दिक्कत ना, उसकी व्यवस्था की। हमने कोविड हॉस्पिटल बनाए, हमने कोविड केयर सेंटर बनाए, कोविड केयर सेंटर में आज हमारे 19,000 लोगों की ठहरने की व्यवस्था है, 19,000 लोगों को हम ठहरा सकते हैं, लेकिन अभी तक 1,000 से कम लोग, लगभग 700-800 लोग हमारे कुल क्वारंटीन में, कुल लोग कोविड केयर सेंटर में, तो उससे भी बहुत कम लोग हैं, शायद 65-70 लोग कोविड केयर सेंटर में हैं। इस तरह से कोविड के लिए हमने डेडिकेटेड फोर्स बनाया,
उसमें हमारे डॉक्टर्स हैं, उसमें हमारे पुलिस के लोग हैं, उसमें स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनके सहयोग से हमने कोविड को कंट्रोल किया है। और अब ये स्थिति यह है कि अगर कल का आंकड़ा देखेंगे तो हमारे पेशेंट कम आए हैं और रिकवरी ज्यादा हुई है। हमको लगता है कि अभी जो हमारी पेंडेंसी पड़ी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ टेस्टिंग की सुविधा कम थी, आज लगभग हम 1700-1800 के करीब पर डे टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी हमको अनुमान है कि एक हफ्ते में हम 2000 से अधिक पर डे टेस्टिंग कर लेंगे, तो पेंडेंसी जो है ये खत्म हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि उसके बाद हम इस पर काफी हद तक नियंत्रण कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। विशेषकर मैं युवाओं से बात कहना चाहता हूँ, बहुत सतर्क रहने की जरूरत। ये बीमारी समाप्त नहीं हुई है और ये बीमारी जल्दी समाप्त होने वाली भी नहीं है। हमको बहुत सतर्कता के साथ इस संक्रमण के साथ लड़ना है। इसको पीछे छोड़ना है, हमको आगे बढ़ना है। और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं जब हम सतर्कता से रहेंगे। ये पहले हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, जो पदों पर बैठे हुए उनकी जिम्मेदारी है कि हम सामाजिक दूरी, जिसको कहा गया है, जो फिजिकल डिस्टेंस है, उसको मेंटेन करके चले। ये फिजिकल डिस्टेंस को अगर हम मेंटेन करके चलेंगे तो हम इस बीमारी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारी जो घोषणा पत्र है 2017 का, हमने उसको पूरा करने का काम आज 85% घोषणाएं हमने पूरी की हैं। पैरसैंण जैसा मसला, ग्रीष्मकालीन राजधानी का जो यहाँ की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला था, हमने उस पर विधानसभा के अंदर घोषणा की और आज उसकी अधिसूचना भी 10 दिन पहले जारी हो गई है। हम अपने एक एक वायदे को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि और पार्टियों का घोषणा पत्र देखिए आप, 2012 से 17 तक कांग्रेस रही, 2003 से लेकर और 2007-08 तक कांग्रेस रही, 2002 से 2007 तक कांग्रेस रही। आप उनका घोषणा पत्र भी निकालिए, अपना घोषणा पत्र भी निकालिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने जनता के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश, हमने भ्रष्टाचार पर तीखे प्रहार किए हैं। और मैं आप युवाओं को आह्वान करता हूं, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप युवाओं का भविष्य अच्छा चाहते हैं, आने वाले युवाओं का भविष्य आप अच्छा चाहते हैं, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमको जंग लड़नी होगी, लगातार लड़ाई लड़नी होगी। एक बार लड़ने से काम नहीं चलेगा, ये तो बिल्कुल तख्तबीज की तरह है। और इसलिए इस पर लगातार प्रहार करने की आवश्यकता होगी, उस प्रहार करने के लिए युवा तैयार। और अंत में एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि युवा मोर्चा का एक एक जो कार्यकर्ता है, क्या हम सोशल मीडिया वॉरियर्स बन सकते हैं? एक एक युवा मोर्चे के कार्यकर्ता को एक एक चीज, चाहे गैरसैंण का विषय हो, चाहे आयुष्मान उत्तराखंड योजना का विषय हो, चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का विषय हो, आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक एक नौजवान तक, जिस जिसके पास उत्तराखंड में स्मार्टफोन का जो इस्तेमाल कर रहा है, हमें संकल्प लेकर यहां से उठे कि हमने एक एक तक सरकार की वॉइस, पार्टी की वॉइस, सरकार की नीतियां, सरकार के निर्णय हमने एक एक युवा तक पहुंचाने हैं। और हम इस निर्णय को पहुंचा करके और सोशल मीडिया वॉरियर्स बने, ऐसा मेरा सबसे आह्वान है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। माउंट लिटरेसी स्कूल उन्नाव, नंबर वन इन एकेडमिक्स, नंबर वन इन स्पोर्ट्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट, स्मार्ट क्लासरूम, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ माउंट लिटरेसी स्कूल उन्नाव।
कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें, हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन